अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है जो कि कीबोर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ माउस। उनको अपने पीसी को कंट्रोल करने के लिए माउस से ज़्यादा वो कीबोर्ड पर रिलाई करते हैं, लाइक उन्हें कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत पसंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप यूट्यूब के चंद शॉर्टकट्स के बारे में बताऊँगा कि आप उनके जरिए उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट्स के ज़रिए आपका जो YouTube की वीडियोस देखने एक्सपीरियंस होगा अपने लैपटॉप पर वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उन यूज़र्स के लिए जो कि अपने कीबोर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपली हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं इन तमाम शॉर्टकट्स को एक वीडियो पे अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैं सिंपली अपने चैनल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सेकेंड नंबर पर मेरा चैनल, तो ये मैंने चैनल को ओपन कर लिया। तो अब यहाँ से मैं अपने चैनल की कोई ना कोई एक वीडियो को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई ना कोई पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल की एक वीडियो को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट है, वो है की। कीबोर्ड के बटन के से हम अपनी वीडियोज़ को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेरे पास वीडियो पॉज है, तो हम यहाँ पे के का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले कर सकता हूँ एंड वीडियो को पॉज कर सकता हूँ। ठीक है, हम वो चीज़ स्पेस बार से भी कर सकते हैं, लेकिन कई मरतबा इस तरह होता है कि हम जो अपनी वीडियोज़ होती हैं उनको पॉज करना चाहते हैं, लेकिन के बटन से वो क्या होता है कि वो स्वाइप डाउन हो जाती हैं स्पेस के बटन से। तो के सबसे बेस्ट मेथड है अपनी वीडियोज़ को प्ले एंड पॉज करने का। सेकेंड शॉर्टकट हमारे पास है कि हम अपनी वीडियोस को 10 सेकंड आगे किस तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है एल। तो हम एल के बटन को प्रेस करने से अपनी वीडियोस को 10 सेकंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपनी वीडियोस को 10 सेकंड आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट जो हमारे पास है वो है कि हम अपनी वीडियोस को बैकवर्ड, मतलब 10 सेकंड बैकवर्ड किस तरह चला सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है जे। तो हम जे को प्रेस करने के बाद अपनी वीडियोस को 10 सेकंड बैकवर्ड चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है एरो शॉर्टकट। तो हम ये फॉरवर्ड एरो को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को 5 सेकंड आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारे पास शॉर्टकट है वो ये है कि हम दूसरे लेफ्ट एरो को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ को 5 सेकंड बैकवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो लेट्स सपोज ये मिडल में है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल ही शुरू में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से होम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो वो मुकम्मल तौर पे एकदम शुरू पे आ जाएगी। और अगर यही काम हम इस तरह करेंगे, हमारी जो वीडियो है वो हमारी वीडियो एंड में चली जाए, तो नेक्स्ट शॉर्टकट इसी पे है कि हम एंड के बटन पे, हमारे यहाँ पे पीसी के होम बटन के साथ ही हमारे कीबोर्ड पे एक एंड का बटन होगा, उस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो ऑल द वे एंड तक चली जाएगी। ठीक, ओके। तो एंड के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो वीडियो होगी वो एकदम एंड पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब वीडियो का जो प्ले हो रही होगी वो एंड पे शिफ्ट हो जाएगी, वीडियो एंड हो जाएगी, कि जो हमारे पास जो वीडियो का कर्सर होगा वो हमें एंड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आया, ये जो नेक्स्ट दो शॉर्टकट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको पता होंगे कि हम अपर एरो की यूज़ करते हुए अपने वीडियो के वॉल्यूम को अप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डाउन एरो को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोस के जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो है कि हम अपनी वीडियो, जो हमारे पास यहाँ पे वीडियो चल रही है उसके जो वॉल्यूम है उसको हम म्यूट या अनम्यूट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड पे एक बटन है एम, हमें एम को प्रेस करते हुए अपनी वीडियोस को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कि अगर हमारी हमारे पास यहाँ पे कई यूट्यूब की वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास कैप्शन मौजूद होते हैं, तो कैप्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास यूट्यूब की शॉर्टकट की ये है कि हम यहाँ पर सी के बटन क्लिक करने के बाद हम वीडियोस को कैप्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली मेरी इस वीडियो में कैप्शन मौजूद नहीं है तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा होगा, वरना आप सी के बटन पे क्लिक करने के बाद कैप्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं।
उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट शॉर्टकट है ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट इस तरह है कि हमारी जो वीडियो होती है उसके हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम जो हमारे दुनिया के नंबर गिवन होते हैं हमारे कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड के दूसरे जो नंबर हमारे दुनिया में गिवन होते हैं कीबोर्ड के उनको यूज़ करते हुए अपनी वीडियो के एक चंक से दूसरे चंक पर मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी जो वीडियो है वो हमारे दुनिया पर प्ले हो रही है, सिंपली ये देख सकते हैं वीडियो प्ले हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जो वीडियो प्ले हो रही है ये हमारे पास मिडल में हम इसको शिफ्ट कर लें, तो हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो 50% शिफ्ट हो जाएगी आगे, कि हमारी जो वीडियो होगी वो अपने 50% पोर्शन पे चली जाएगी। इसी तरह अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो हमारी वो वीडियो 80% पे चली जाएगी। इसी तरह अगर हम 6 प्रेस करेंगे 60%, 2 प्रेस करेंगे 20%, और 9 प्रेस करेंगे तो 90%। तो सेम इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो को बिगिनिंग मतलब एकदम शुरू पे आ जाएँ तो उसके लिए नेक्स्ट शॉर्टकट है वो ये है कि हम 0 को प्रेस करते हुए अपनी वीडियो के शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास वो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो ये है कि हम जो अपनी वीडियो हमारे पास एक वीडियो जिस तरह है अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक वीडियो प्ले हो रही है, तो हम अपनी इस वीडियो की स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास कि हम शिफ्ट और ये एंगल ब्रैकेट मतलब इंक्रीजिंग एंगल ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी जो वीडियो की स्पीड है उसको हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो की जो स्पीड है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप का जो बटन है उसको क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा इस पर है कि अगर हम अपनी जो इंक्रीज स्पीड की हुई थी हम अगर उसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट और ये डिक्रीजिंग एंगल ब्रैकेट से कहते हैं मेरे ख्याल से हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट और ये एंगल ब्रैकेट यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है वो कम हो चुकी है, अब ये स्पीड बिल्कुल स्लो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लो, तो स्लो करने का एक और भी मेथड है कि हम यहाँ पे शिफ्ट और कॉमा की का भी इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को अपनी वीडियो की जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट आ रहा है वो शॉर्टकट ये है कि हम अपनी वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम किस तरह देख सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम मतलब कि हमारी जो वीडियो है उसका एक फ्रेम बाय फ्रेम हम आगे नेक्स्ट कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो वीडियो होगी उसको पॉज होना लाजमी है और हम डॉट फुल स्टॉप का जो बटन है ये हम जिसे डॉट कह देते हैं उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हम फ्रेम बाय फ्रेम अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो वो फ्रेम बाय फ्रेम फॉरवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो सेम अगर हम अपनी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम बैकवर्ड मूव करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली ये करेंगे कि हम वो इसी फुल स्टॉप के साथ एक बटन है हमारे पास कॉमा का बटन, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो फ्रेम बाय फ्रेम बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट शॉर्टकट है कि अगर हम कोई ना कोई प्लेलिस्ट एक देख रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे शिफ्ट करें, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट ओपन की हुई है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट की एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे शिफ्ट करूँ मतलब उसे नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट करूँ, उसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है वो है हम शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास हम जो उस प्लेलिस्ट की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम शिफ्ट कर लेंगे, तो वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो यहाँ पर हमारे पास प्ले होना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट है वो इसी का उल्ट शॉर्टकट है कि अगर हम एक प्लेलिस्ट में हैं और हम यहाँ पे एक वीडियो देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे जो प्रीवियस वीडियो है इस प्लेलिस्ट की वो शो हो, तो हम सिंपली यही करेंगे कि शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो होगी हमारे इसी प्लेलिस्ट की तो वो वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है कि हम अपनी जो YouTube की वीडियो है उसकी जो स्क्रीन है उसको हम फुल स्क्रीन किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है F, तो हम यहाँ पे F को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो वीडियो होगी वो एकदम फुल स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये अगर हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो सिंपली हम एस्केप के बटन से इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये थे हमारे पास YouTube के चंद कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी YouTube एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।